दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को लेकर है, उनकी हत्याओं को लेकर है और इस पर तमाम राजनीतिक और सवाल भी पैदा हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब हम जानने की आज कोशिश करेंगे मंथन में। आज हमारे साथ खास मेहमान है एनसीपी के नेता और प्रवक्ता विक्रम राजू सिन्हा साहब, उनसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं बीजेपी आईटी सेल के महाराष्ट्र हेड सतीश निकम साहब, निकम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जो तीसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव मोहन मिश्रा जी, मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर फाइल्स ऐसा लग रहा है उसे देखकर, जिस तरह से उसकी सुर्खियां चल रही है कि आजादी के बाद भारत में कोई ऐसी फिल्म है जो इतनी ज्यादा हंगामा भरती, क्या वजह लग रही है? मैं सबसे पहला सवाल सतीश निकम साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी पूरे फिल्म को बहुत समर्थन कर रही है। बहुत सुधीर जी, पहले तो मैं फिल्म को और इस पूरे विषय को पक्षीय परिवेश के बाहर रख के सोचा जाए, क्योंकि इसमें पक्षीय परिवेश आ जाएगा तो दिमाग में राजनीति भरेगी और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय समस्या को हम एक अलग दिशा देने के मुझे लगता है तरफ बढ़ेंगे। जो भूमि इस प्रकार की, एक प्रकार की इस पूरे भूभाग को ज्ञान देने वाली भूमि है, इसका जिस तरीके से आक्रमकों ने ह्रास किया है, यानी एक कालखंड इस भूमि पर ऐसे चला जहां आक्रमकों ने इस पूरे संस्कृति को और इस पूरे भारतवर्ष को उध्वस्त करने का एक कुबांड रचा, और इस कुबांड के चलते ही जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद अलग प्रकार की एक रणनीति चली जिसके तहत कश्मीर को लेकर भारत और जो नया राष्ट्र बना पाकिस्तान, इसके बीच में कुछ ना कुछ गर्मी बनी रहे ताकि जो लोग जिस प्रकार से अपने हित रखना चाहते थे पूरे विषय में, तो वो कश्मीर की आग को सुलगते रखना, इस प्रकार का विषय चलता रहा। और लगभग 60-70 साल तक इसके परिणाम क्या हुए, हमारे देश का जो विकास होना चाहिए था ना, वो विकास 60-70-80 सालों में नहीं हो पाया, क्योंकि हम ये कश्मीर जैसे विषय के कारण उलझते रहे और हमारा विकास खंडित हो गया। तो कश्मीर विषय में जो जो हुआ है इसको पक्षीय परिवेश राजनीति से दूर रखे हुए जो रणनीति वहां पर रखी गई, जिसमें निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय एक षड्यंत्र के तहत वो सब चलता रहा, और उसमें एक एक प्रकार से अनन्वित अत्याचार, यानी जो मूवी में बताया गया है वो 1990 की घटना बताई गई है, लेकिन उसके पहले भी 7 बार ऐसे प्रसंग खड़े हुए जिसमें कश्मीर में हिंदुओं की लोकसंख्या कम हो इस प्रकार के प्रयास किए गए, जिसको एक्सोडस कहा गया है। तो ये एक्सोडस की रणनीति जो है इसकी वजह से वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़े, इस प्रकार का प्रयास किया गया ताकि भारत हमेशा इन विषयों में उलझा रहे। आपको क्या लग रहा है राजू सिन्हा साहब, क्या है ये पूरा मामला जो कश्मीर फाइल कितना सच दिखा रही है? सबसे पहले जो एक बात मैं बताता हूँ, जो फाइल कश्मीर फाइल्स के माध्यम से जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर आत्मघाती हल्ले हुए, उसका सबसे पहले मैं निषेध करता हूँ कि कोई भी धर्म पे किसी भी प्रकार से भी आत्मघाती हल्ले या उनके ऊपर हत्या या ऐसा सदोष गुना होना ही मुद्दा गलत है। हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधा के आधार पर हर इंसान को जीने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य है कि ये इसको पॉलिटिकल रन करने का काम किसने किया है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि जाके फिल्म देखिए, हर फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि हर फिल्म से आपको कुछ ना कुछ बोध मिलता है। लेकिन जब मुझे मालूम है कि 1990 में अगर ये चीजों को इतना आपको अगर फुल फ्लेज करना है या उसको कुछ पॉलिटिकल कलर किसने दिया, ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिए, आज के मीडिया में देख लीजिए, पेपर में देख लीजिए। लेकिन मेरा कहना क्या, 1990 में अगर ये चीज हुई थी तो 1990 में सरकार कौन था? यहाँ के सम्माननीय पंतप्रधान वीपी सिंह जी थे और इनको समर्थन देने वाले भाजपा के खासदार थे उस वक्त, वहां के गवर्नर जगमोहन सिंह मल्होत्रा जी थे। और अगर वहां पर ये चीजें हुई थी तो मुझे तो सबसे बड़ा गर्व इस बात का लगता है कि 1990 के दशक में जो कुछ पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था पूरे देश में, सिर्फ हिंदू इधर सम्राट भास्कर ठाकरे जी एक ही वे व्यक्ति थे कि जिन्होंने फ्रंट पे आके कहा था कि हमारा महाराष्ट्र और हम यहाँ पे सबको पना देंगे, और उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों के बच्चों को, निर्वासित लोगों को यहाँ पे स्टे का पूरा नियोजन किया गया, बच्चों के एजुकेशन हो, सर्विसेज में ये हो, ये सब चीज करने का काम जो सबसे पहले तो उन्होंने बोला था प्लंटली आके। हाँ। आप दूसरा नाम बताइए जो प्लंटली आके बताया था। आज हम लोग माइग्रेट होके क्यों मुंबई आए, हम गांव छोड़ के आए, क्योंकि हमारे इधर वो व्यवस्था नहीं थी, हम वहां पे सर्वाइवल की लड़ाई के लिए
हम ऊपर तक आए। तो ये सब चीजों के पीछे कोई भी पॉलिटिकल रंग नहीं करते हुए अगर यही चीजें थी तो निर्वासित होने के बाद में आज गए 7 साल के अंदर आज ये मूवी देखने के सबको जागरण मतलब सबको मालूम पड़ा है क्या, मेरा तो प्रश्न चिन्ह है। अगर यही चीज अगर भाजपा के लोगों ने अगर प्रमोशन के माध्यम से अगर जो चीजें कही गई है तो 96 के बाद में 99 से लेकर 2000 तक भी सरकार थी तब क्यों नहीं निर्वासित लोगों के लिए इनके लिए कोई एजेंडा किया गया, कोई फाइनेंशियल इनके लिए कोई प्रोविजन किया गया। आज गए 7 साल से पूरी सरकार फुल मेजोरिटी में, इसके पहले हर वक्त पे कोएलिशन गवर्नमेंट थी लेकिन इस बार पहली बार ऐसे कि 300 के पार के अगर सरकार जीती है तो उन्होंने कोई भी प्रकार का नियोजन क्यों नहीं किया। ये फिल्म आने के बाद ही तुम्हें मालूम पड़ा कि हमारे देश में घटना घटी है, घटना कोई भी हो वो निर्दयीय घटना है और उसका निषेध तो होना ही चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक को जीने का अधिकार है। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। मैं मिश्रा जी के पास जाने से पहले मैं इस पे थोड़ा प्रत्युत्तर ले लूं, उसके बाद मैं मिश्रा जी के पास आता हूं निष्पक्ष राय जानेंगे उनसे। निकम साहब आप जवाब दीजिए, 7 साल से आपकी बहुमत में सरकार है और कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कुछ नहीं किया, ऐसा आपके ऊपर सवाल हुआ। एक मुद्दा कश्मीर को लेकर हमेशा देश में गर्माता रहा वो था आर्टिकल 370 का मुद्दा। कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान और 2 विधान ये नहीं रहने चाहिए। ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग के जो भी एक्टिविस्ट थे उनकी सबकी मनोमन इच्छा थी और आप देखेंगे कि भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक अध्यक्ष है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस विषय में एक बहुत बड़ा अभियान किया, पूरे देश में इस विषय का जागरण किया। और आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस विषय के लिए अपना बलिदान दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय में पहले दिन से सजग है। दूसरा विषय मेरे मित्र राजू जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या किया, तो ऐसा है कि जब तक ये गलत जो एक प्रकार से गलत तरीके से कश्मीर के विषय को हथियारा जा रहा था पिछले 70-80 साल में, उसको ठीक करना ये प्रथम प्राधान्य था। इसके लिए आर्टिकल 370 को हटाना, तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 हटाकर अभी ये सारे रास्ते खोल दिए हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं इस विषय में काम करने के लिए सारा खुल गया है। इस कश्मीर फाइल्स मूवी के वजह से भारत ने ही इस प्रकार के भारतीय हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से अनन्वित अत्याचार किए गए और इसके बारे में पिछले 32 साल से कोई बोलना भी नहीं चाह रहा था। हमारे कश्मीरी पंडित मतलब बाला साहब ठाकरे जी का उल्लेख हुआ वो वंदनीय है और उनका जो पराक्रम है उनकी जो भूमिका है इस विषय में वो निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन जो ग्राउंड पर काम करना चाहिए, जो कानून को लेकर सुधार करना चाहिए, इस विषय में काम करने के लिए मेरे ख्याल से मतलब मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारा विषय क्लियर हुआ है। अभी 370 हट गया है, 370 हटने की वजह से जो निर्वासित है वो पुनः एक बार और भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाकर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकता है, इस प्रकार का वातावरण कश्मीर में हो चुका है। मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे ये फिल्म क्या कह रही है, किस तरफ इशारा कर रही है और जो सच्चाई है क्या इस फिल्म के जरिए वाकई जो सामने आनी चाहिए वो आई है और इससे देश को सबक लेना चाहिए। देखिए अभी तक मैंने जो दोनों लोगों को बातें सुनी ये दोनों किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के, इसलिए अपना राजनीतिक पक्ष रख। मैं आपको बताऊं जैसे पहली बार मैंने इनका बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड इनकी मैंने बात सुनी, इन्होंने कहा इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। आप मेरे को बताइए सिनेमा हॉल में जाकर करके आरएसएस का गीत किसने गाया? सिनेमा हॉल में इसके पहले जो पिक्चर्स रिलीज होती थी उसके पहले भारत माता का जो गीत है राष्ट्रीय गीत वो बजा करता था, जन गण मन बजा, वहां पर आरएसएस की गाने गीत को किसने गाया? आप लोगों ने गाना शुरू किया। इस पिक्चर को लेकर के सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया? आप लोगों ने किया। इस संदर्भ में क्यों नहीं बात, जब आप शुरुआत ही आपने किया है तो आप कहेंगे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होती, पूरा राजनीति आपने शुरू किया। दूसरी बात अब मैं आपको बता दूं कि देखिए आजकल एक चीज है कि हेट पॉलिटिक्स का मजा ये बीजेपी को मिल चुका है, कि हेट पॉलिटिक्स का मजा कितना है, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि शायद इनकी जो समझ है उस पर शायद भारत खरा उतर रहा है। इनकी यह समझ है कि हेट पॉलिटिक्स के छलावे में भारत की अधिकांश जनता को हम ला सकते हैं और शायद ये सही भी है, क्योंकि 2 बार जो इनको विजय मिली है जिस बहुमत के साथ इनको विजय मिली है वह इस बात की ओर इंगित करता है कि शायद ये भारतवर्ष की जनता को छलने में कामयाब हुए, इसलिए इनका जो है हेट पॉलिटिक्स पर पूरा कंसंट्रेशन है। आप देखेंगे कि गोधरा कांड के बाद जिस तरीके से गुजरात में जो
चीजें हुई उसका अगर आप कश्मीर से तुलना करेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी तरह 50,000 2,000,000 3,00,000 की बात नहीं करूंगा, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए 1999 के समय में, उस समय में उनकी संख्या 219 ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो गुजरात में दंगे हुए गोधरा के बाद उसमें जब आप ऑफिशियल रिकॉर्ड जांचने जाएंगे तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर आपको मिलेगा। सेम चीज अगर आप भागलपुर दंगे की बात करेंगे तो भी आपको ऐसा मिलेगा। खैरलांजी को भी आप इसको भूल नहीं सकते कि इस तरह की एक नरसंहार खैरलांजी में भी हुई थी, उसको भी आप भूल नहीं सकते। तो ऐसा के बारे में भी ना, चार दिन पहले अभी अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मगर चूंकि कश्मीर फाइल्स हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार को और भी बड़ा दरार में पैदा करने में बहुत सहायक है, इसलिए बीजेपी का पसंदीदा फिल्म बन गया। और इसको देखने के लिए मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इसको देखने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए बीजेपी के द्वारा फंडिंग तक की जा रही, फंडिंग तक। और वैसी स्थिति में आप कश्मीर फाइल्स नो डाउट एक नरसंहार हुआ, नो डाउट कि कश्मीर में जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर बहुत अत्याचार हुआ, और इसको अत्याचार कराने में भी आपको मैं बता दूं सेपरेटिस्ट जिसको आप बोलते हैं अलगाववादी, अलगाववादी ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों के अंदर है, अलगाववादी हिंदुओं के अंदर है। वो नरसंहार तो नहीं कर रहे हैं ना, नरसंहार नहीं हो रहा है। मैं भी वही बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप देखने जाएंगे तो आपको अनेक ऐसे दंगों के उदाहरण, नरसंहार आप बोलने नहीं गए, गुजरात में क्या हुआ था आप मेरे को बताओ, गुजरात का नरसंहार आप भूल सकते हो क्या? नो डाउट कि गोधरा कांड एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कांड था, लेकिन गोधरा के बाद जो हुआ क्या वो कम डिस्टर्बिंग था? क्या उसमें कम अन्याय हुए? एक एक साथ 25-25 लोगों को घर के अंदर जलाया गया है, आप उस नरसंहार को भूल जाओगे? आपको देखो देश में आप इतना समझ के चलो, ये देश प्यार का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो प्यार और शांति ये दो चीज के मार्ग पर चलना होगा। सिद्धांतिक बात है, ये सिद्धांतिक बात है, मैं जवाब देना चाहूंगा। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए कि आप लोग इस फिल्म को जो पोलराइजेशन है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बड़ी दरार इससे पैदा हो रही है, ऐसे ऐसा सवाल उठ रहा है। सब ऐसे है कि मूवी देखने के बाद उपस्थितों में अगर राष्ट्रीय भावना जग रही है और अपने देश का, अपने मातृभूमि का, अपने भारत माता का कोई वंदन करना चाहता है तो अपने देश में इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो नमस्ते सदा वत्सल मातृभूमि, ये मातृभूमि का वंदन है, तो ये कोई आरएसएस की प्रार्थना है, इसके लिए कोई देश में मना ही नहीं है, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, भाई साहब ने बताया कि हेट पॉलिटिक्स है, आज मुझे बताइए कि जिस बच्चे का जन्म 1990 के बाद हुआ है उसको इस घटना के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और भाई साहब ने बताया कि हेट पॉलिटिक्स, मैं आज आपको ऐसे कई वीडियो बताऊंगा जिसमें मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम एजुकेटेड यूथ सामने अगर बोल रहा है कि ये अगर हमारे कम्युनिटी की ने किया है तो हम इस प्रकार के लोगों जो हमारे कम्युनिटी में इस प्रकार का हेट पॉलिटिक्स करने वाला तबका है उसको हम अपनाने के लिए मना कर रहे हैं। जाने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी ये भावना आगे आ रही है कि हमारे में भी ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, रेडिकल है, इस प्रकार के विषय को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, अभी आपके कहने के हिसाब से कि बीजेपी जो है वो शांति और प्यार बांट रही है और लोगों को जागरूक कर रही है, और आप उसको कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है, कैसे आप किस आधार पर कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है? मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले कश्मीर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करूंगा क्योंकि कश्मीर फाइल्स पर चर्चा हुई। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। 2015 में, शायद ये आपके इनके पास मौजूद होंगे लेकिन आपको बता दें, 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई थी तो मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि 5,000-6,000 घरों का निर्माण किया जाएगा कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदू के लिए। उस 6,000 में आप इनसे आंकड़ा पूछ लीजिए कितने मकान बन के तैयार हुए, 7 साल हो चुके हैं, 15 से 22 कितने मकान बन के तैयार। इन्होंने कहा था 3,000 नौकरी हम देंगे, उसमें कितनी नौकरी इन्होंने दे दी वो भी पूछ लीजिए। इसके बाद आपको मैं बता दूं जहां जहां कश्मीरियों के बेनिफिट की बात है, देखिए ये कश्मीरी पंडित से इनका कोई लगाव नहीं है क्योंकि इनसे जब आप पूछेंगे कि नोटेबल कश्मीरी पंडित कौन कौन है तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा मोतीलाल नेहरू का, उसके बाद नाम आएगा जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद आएगा इंदिरा गांधी का, उसके बाद नाम आएगा संजीव भट्ट का। ये सब इनके अपने नहीं है, ये सब तो इनकी भरपूर दुश्मनी, भले उन्होंने इनका कुछ बिगाड़ा हो ना बिगाड़ा हो,
लेकिन इनके दुश्मन की श्रेणी में नंबर वन पे आइए। और यही लोग आप जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जानकारी आप कलेक्ट करेंगे, जब आप देखने जाएंगे तो नोटेबल कश्मीरी पंडित्स में इनका नाम आता है। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं इनका छल बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ जो ये देश के साथ कर रहा है। आज तो ये है कि आज सत्ता का राज दिखाई देता है, कानून का राज, सत्ता का राज दिखाई देता है। आज जहां कहीं भी दम तोड़ा जा सकता है विरोधक की आवाज को, वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जहां विरोधकों की आवाज को दबाया जा सकता है। राजू भाई, राजू भाई बहुत सिलेक्टिव बात कर रहे हैं राजीव जी। मुझे लग रहा है कि वो भारत के पूर्वी अंग के बारे में, पश्चिमी अंग के बारे में बोल रहे हैं और पूर्वी अंग को बहुत सिलेक्टिवली निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हेट पॉलिटिक्स चल रहा है तो बंगाल में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बोलिए ना। अगर मोदी जी इतने हावी है तो बंगाल में घटना चल रही है उसका भी निषेध कीजिए। मैं इस सवाल पर आऊंगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि राजू भाई का जो ओपिनियन है वो भी जान लें। जिस तरह से राजू मिश्रा जी कह रहे हैं कि पूरे देश में हेट पॉलिटिक्स चल रही है, तो क्या महाराष्ट्र में भी हेट पॉलिटिक्स चल रही है? बीजेपी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, मैंने दो हफ्ते पहले मेरा मुद्दा था कि जो हत्याकांड हुआ है उसको मैं एक व्यक्ति से एक व्यक्ति बोलकर मैं निषेध नहीं करता हूँ और कोई अपनी पार्टी निषेध नहीं कर सकती। मेरा बात सुने, इससे पहले तो सबसे पहले पवार साहब उस वक्त में मुख्यमंत्री थे और द्वार सबसे पहले पंडितों के लिए, कश्मीर पंडितों के लिए महाराष्ट्र ने खोले थे। कोई स्टेट के कोई मंत्री ने, कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। और जिस वक्त पवार साहब वहां पर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में सुधाकर जी नाइक साहब मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सबसे पहले द्वार खोले थे। और मेरा तो कहना है कि जो जिस वक्त इनके ही मंत्रिमंडल होते वक्त लोगों ने जिनके ऊपर आरोप किए थे वो असाधु हो गए, तो मतलब ये हेट पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या? मेरा काम है आज देश के अंदर बहुत सारे विषय हैं जो सामान्य लोगों से निगरित है, उसको दिशा भूल करते हुए फेलियर अपना नहीं दिखाने की वजह ऐसा कुछ तो एक नया प्रोपोगेंडा लाना चाहिए। मेरा कहना है अगर इतना ही है तो हर जो जो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है सबको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वासित हो, या उनका किसी का घर दबा हुआ है तो उसको संभालने का काम उसकी गवर्नमेंट का है, जो भी गवर्नमेंट हो उनका काम है। तो ये क्यों फेल हुए हैं? क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवर इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। तो निकन साहब अभी जवाब दीजिए, आपकी आपको आपकी सरकार है 7 साल से और स्टेट में भी सरकार है आपकी, तो आप निर्वासित करने में देरी क्यों, उनको पुनर्वसित करने में देरी क्यों हो रही है? अब तो 370 भी हट गया आपका। बिल्कुल साहब, ऐसा है कि ये पूरे चीज की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा है कि कानून बनाना और कानून को डिसॉल्व करना, इसकी पूरी प्रक्रिया हुई है। 370 बकायदा अभी निकल गया है और मैं आपको एक फेसबुक प्रोफाइल देता हूँ, डॉक्टर उपेंद्र स्वरूप जी जो खोपर करने में ही अपने नवी मुंबई में रहते थे, अभी दिल्ली में रहते हैं, मेरे अच्छे मित्र है, कश्मीरी पंडित है। इन्होंने फेसबुक पर अभियान चलाया जिसमें उन्होंने सारे कश्मीरी पंडितों को अपील किया कि आपका बेस लोकेशन का एड्रेस डालिए। मैं आपको बताता हूँ कम से कम 9,000 कश्मीरी पंडितों ने अपने कश्मीर के एड्रेस डाले हुए हैं और आज उनके मन में वो उल्लासित है। उल्लासित इसलिए है क्योंकि मोदी जी के वजह से अपना घर जो हर कश्मीरी पंडित ने वहां जैसे था वैसे छोड़कर रातों रात घंटे भर में आधे घंटे में 15 मिनट में अपना घर छोड़कर बाल बच्चों को लेकर लोग जो निकल गए थे उनको वापस एक बार वहां पुनर्स्थापित करने का काम ये 370 डिसॉल्व करने के वजह से इसका एक बहुत बड़ा प्रशस्त विषय खुला हो गया है। मेरा मुद्दा उसके ऊपर है जो हर एक मतलब मैं इसके लिए पक्षीय परिवेश बाजू में रखना इसके लिए बोल रहा हूं कि कश्मीर
और जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने बताया ना कि पीओके ये सारी भारत भूमि है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलएसी बोला जाता है ना, वो एलएसी तक भारत भूमि का भाग जो है, भूभाग है, उसके ऊपर हमने दावा बोलना चाहिए। लेकिन दावा कब बोलेंगे, जब हमारा सारा भारत का नागरिक एक स्वर से इसको एक्सेप्ट करेगा कश्मीर हमारा भूभाग है। आज ऐसी राजनीति करते बैठेंगे कि हम हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम कश्मीर के मुद्दों को वापस एक बार राजनीति के ढिंडोरे में डाल रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। ये मेरी भावना है मिश्रा जी। आप अगर एक पहल हो रही है अच्छी कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वासी हो जाए फिर से कश्मीरी पंडित, उसमें बुराई क्या है? अगर उसका कोई रेखांकन कर रहा है कि ये कहानी सच्ची है और उसके माध्यम से फिर से जागरूकता आ रही है, फिर उनको प्रेरित किया जा रहा है कि अब कानून बदल गया है और अपने वतन लौट सकते हैं, इसमें इतराज कहाँ होना चाहिए? देखिए दिक्कत क्या है ना, ये हम भारत के लोग गहने पर ज्यादा चले जाते हैं, आंकड़ों को नहीं तलाशते। आपको मैं बताऊं, उनसे अगर पूछा जाए कि टोटल कश्मीरी हिंदू कितने विस्थापित हुए थे तो शायद ये आंकड़ा नहीं बताए। मैं आपको बता देता हूँ, 64,000 फैमिली जो थे वो विस्थापित हुए, उसमें से 43,000 जो विस्थापित फैमिली है जिनको जम्मू कश्मीर में है वो जम्मू में है, वो जम्मू के बाहर नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था तो वो जम्मू में थे। उसके बाद 19,000 फैमिली जो है वो दिल्ली में है और बाकी की जो फैमिली है वो अदर स्टेट में गई हुई है। तो आप मेरे को बताओ, ये जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 9,000 फैमिली जो है वो जम्मू कश्मीर में मिला, अरे भाई 43,000 वहां है, 9,000 तो आप कम बोल रहे हो। लेकिन सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 600 लोग हैं, सिर्फ 600 जो कश्मीर में जाके फिर से बसे हैं। 43,000 जो जम्मू में रह रहे हैं उसमें से सिर्फ 600 लोगों को आप कश्मीर में बसा पाए हैं। पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर पर भी आप ही का अधिकार है। और जा रहा बात धारा 370 का, कितने दिन हो गए उसको उठाए हुए, आज कितने दिन हो गए? आप मेरे को बताओ, आपने कहा था कि धारा 370 हटाने के बाद वहां निवेश बढ़ जाएगा, लोग वहां जमीन खरीद बिक्री कर सकेंगे। आप सिंपल सा कश्मीरी पंडितों को वहां अभी तक आप ये नहीं कर सके, पुनर्स्थापित नहीं कर सके, आप दूसरे को क्या जमीन बेचोगे? ऐसा है कि घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं ना। अभी जो कानूनन सुविधाएं करनी चाहिए वो कर ली है, ठीक है, अभी उसमें एक जन जागरण होना चाहिए, लोगों को आत्मविश्वास लगना चाहिए कि भाई मैं कश्मीर में जाकर वहां अपना, क्योंकि अभी सारे लोग जो है 32 साल हो गए, यानी एक दो पीढ़ी पूरी निकल गई है, लोगों ने अपने व्यवसाय अपना नौकरी धंधा, जैसे महाराष्ट्र के कश्मीरी पंडित है उन्होंने यहाँ नवी मुंबई में सेट किया है, महाराष्ट्र में सेट किया है, तो ये सब छोड़ के वहां जाना ये कितना संभव है? ये सारी चीजें होती रहेगी, ये प्रक्रिया का भाग है। मिश्रा जी का ये कहना कि 64,000 निकले थे तो आज क्या 64,000 चले जाए, तो ये मुझे लगता है लॉजिकली संभव है, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति जो है ना वो मरी नहीं है, इच्छा शक्ति जागरूक है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन कह रहा हूँ कि जगमोहन जिनको इस पूरे विस्थापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, राज्यपाल जगमोहन, उनको मंत्री किसने बनाया? 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में मंत्री कहां से बने? उसी जगमोहन को आपने पुरस्कृत किया है, जिस जगमोहन को इस विस्थापन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। सारे पॉलिटिकल एनालिटिकल रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, जगमोहन को सबसे बड़ा इसमें मैनेजमेंट के भाषा में बोला जाता है शूटिंग द मैसेंजर, क्योंकि उनका पॉइंट जो क्लियर समझना चाहता हूँ, एक्चुअली जगमोहन को मंत्री बनाया जाना क्या गलत था? नहीं, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, आप राज्यपाल थे उस समय में, सत्ता आपके हाथ में थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार मतलब बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार थी, ऐसी स्थिति में आप वो हर बल प्रयोग कर सकते थे कश्मीरियों के ऊपर, जो कश्मीरी अत्याचारी थे उनके ऊपर आप हर वो बल प्रयोग कर सकते थे, किसी ने आपको सूट एंड साइड का ऑर्डर देने से भी मना नहीं किया था। आज जिस तरीके से आज जिस नहीं 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 ऐसा संभव? राज्यपाल भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी की, राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन है, इसका मतलब राज्यपाल को अधिकार नहीं है कुछ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सत्ता थी, सरकार में उनकी सरकार थी, वीपी सिंह जी को समर्थन भाजपा का था। ये मुद्दा वो कहना है कि गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको निर्णय लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया? अगर नहीं लेने के बावजूद भी और 2-3 साल
1996 में उनको वापस मंत्री बनाया गया, मतलब ये चीजों को इनका समर्थन था क्या? और आज जब मेरा वही मैंने सबसे पहले कहा, आज फिल्म दिखाने के बाद तुमको सब दिख रहा है, और ये 90s की बात है, ना कि 100-200 साल पुराना इतिहास नहीं है। तो 90s में तो हम सब आप थे यहाँ पर, और यहाँ की सरकार थी, यहाँ के आज मिनिस्टर थे, वो सब थे यहाँ पर, तो क्यों इन्हें इतना विलंब लगाया? 370 कलम होंगे, आज राज्य होते कितना टाइम होगा? आज मेरे को लगता है हार्डली 0.01% लोग भी अभी तक वहां पर नहीं गए कश्मीर में जगह के। मैं आखिरी सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। अभी आपको लगता है कि इस माहौल के बाद, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के देखने के बाद जो माहौल बन रहा है, जो कश्मीरी पंडितों में खासकर जो प्रेरणा जगी है कि वो अपने अपने मुल्क में लौटना चाहते हैं जहां से वो पलायन करके भागे थे, आपको उम्मीद लग रही है कि इसके बाद कुछ ऐसा होगा जहां उनका मकान था वहां पर लौट जाएंगे? और क्या इतना आसान होगा कि जिन लोगों ने उनके घरों को कब्जा कर लिया है वो छोड़ेंगे? अगर अगर जो हिसाब से आज कलम 370 में दुरुस्त आने के बाद आज अगर ये इतना दावा जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो इन्होंने तो कहा था कि हमने यहाँ तक छूट कर दिया, राज्य को इतना विलम्ब होने के बाद में क्यों सोचा? अगर उनको उनका प्रस्तावित घर मिलता है जो उनके गांव में है, तो हमको तो सबसे ज्यादा खुशी हमें हो, क्योंकि आज हम भी एक, मैं खुद एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो जिसके घर का खोता है खोया जाता है उसको ही दुख जाता है, और अगर उसके गांव में आज कश्मीर जैसी जगह में अगर उसका घर मिलता है तो सबसे ज्यादा तो खुशी हमें होगी, और जिनको मिला उससे ज्यादा खुशी होगी। तो उसके अंदर शासन ने हर नियम को अधीन रहते हुए वहां पे उनको क्या सुविधा देनी चाहिए वो करनी चाहिए, ना कि इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल ये नहीं माइलेज लेने के लिए काम नहीं होना चाहिए। ये चीजों के अलावा आज जो देश को सबसे बड़े जो विषय है जो उसको बगल नहीं करते हुए उस पर ध्यान से गवर्नमेंट ने देना चाहिए, ना कि एक मुद्दा आगे कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि हमारा देश भावना प्रधान देश है, यहाँ पे कोई मुद्दा ले लो तो सब लोग उसके पीछे चलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर वो चीजों को कुछ अपनी जैसे कहते हैं ना हमें हमारी जो नाकामियां हैं वो छुपाने के लिए कोई एक मुद्दा लाए और उसके पीछे सबको ले लें। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले तो जो लोगों को चाहिए, सामान्य लोगों को जो आज गरज है, वो चीजों की पूर्तता होनी चाहिए, और उसके साथ में कश्मीरी पंडितों को भी उनका न्याय मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनको अपनी अपनी जगह मिश्रा जी, मैं आपसे जिन मकानों को कश्मीरी पंडितों ने छोड़ा, ऐसी कंडीशन में जब उन मकानों पर, उन संपत्तियों पर मुसलमानों का कब्जा है, वहां के सारी लोगों का कब्जा है, तो जब ये लौटेंगे तो आपको लगता नहीं है कि इससे एक और नया विवाद अभी पड़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि जब हम अपने ही देश के किसी राज्य को लेकर के इतना कमजोर सोचेंगे कि हम वहां पर किसी को जो मान लो विस्थापित हुआ है उनको पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे, ये डर हमको रहेगा कि उनको कैसे पुनर्स्थापित कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर अपने ही देश के किसी राज्य के बारे में आप इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप सत्ता करने के लायक नहीं। अगर आप अपने देश में अगर मजबूत विल के साथ बैठ जाएंगे तो मैं बोलता हूं किस देशवासी की इतनी हिम्मत है, अगर आप इसको अपना देशवासी मानते, किस देशवासी की इतनी हिम्मत है कि कानून से खेलना, कानून से नहीं। नहीं, अभी आप यही आपको गलत फहमी है कि स्वतंत्र राज्य बना दिया, कौन बोलता है स्वतंत्र राज्य बना दिया? आपको हमको जो गलत पढ़ाया जाता है उस पर मत जाइए, आप सारी हिस्ट्री को पढ़िए। आज जब आपको आजाद हुए आज 47 में आप आजाद हुए, आज के समय में 70 साल हो गए, 70 साल जब आपकी आजादी के हो गए तब आप जम्मू कश्मीर को नहीं जीत पाए, मैं कह रहा हूं। तो आप मेरे को बताओ जिस वक्त आजादी की परिस्थिति थी उस समय में जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना ये बहुत बड़ी बात थी, वो करने में अगर किसी ने कामयाबी हासिल की थी तो एक बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बात इतनी ही है कि जम्मू एंड कश्मीर को जिस तरीके से अपने साथ रखा गया था, वहां पर जब सरकारें कमजोर होती हैं, जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है, तब जाकर के लोगों का मनोबल बढ़ता है। नहीं, नहीं, और ये, वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या कि 70 साल बाद एक जो अभिन्न अंग हम कश्मीर को कहते थे आज वो पूरे देश में शामिल हो गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, आज से नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जो कानून वहां लगे थे, जो दो संविधान चलते थे वहां, कौन बोलता है? क्यों नहीं, संविधान थे भाई साहब, कोई अधिकार नहीं था भारतीय सांसद को, मिश्रा जी एक चीज बताइए, भारतीय सांसद को कोई अधिकार नहीं था? एक मिनट, भारतीय जो सरकार थी वहां पर कश्मीर की कौन सा चुनाव आयोग, नहीं कौन सा चुनाव आयोग काम करता था? नहीं, आपको नहीं मालूम है, एक स्पेशल दर्जा था उसको,
कोई अलग दर्जा नहीं था भारत के दूसरे राज्यों के लिए अलग दर्जा, उसके लिए अलग कारण, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था भाई साहब। कांग्रेस गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था वो जम्मू कश्मीर में नहीं किया, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ और ओपनली स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप गलत जानकारी मत दो ना, आप गलत तथ्यों को ला करके पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर करके आप भारत के लोगों को आप इतना बड़ा बेवकूफ समझ लेते हो कि यहाँ कोई जानकार आपके बातों को काटने वाला नहीं बैठा। ये ठीक है मीडिया अभी आपके हाथ में है, आप मीडिया के ऊपर कमांड किए हुए, नहीं नहीं आप अंदर तौर पे बोल रहे हैं क्या मीडिया, नहीं, 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 आपकी बात मीडिया पे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन मीडिया, आप अंदर तौर पे बोल रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं तो मीडिया का, नहीं 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 एक तो ऐसा कहना समझिए, आप अपनी बात मत करो, आपको मैं इंटरनेशनल मीडिया नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि वो आपके कमांड में है, यंत्रणाएं आपके कमांड में है आपके। आजकल तो मैं तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आपके चैनल से कह सकता हूँ रुपये कि आज न्यायालय भी करीब करीब 70% आपके कमांड में जा चुका है। तो जो ये स्थिति में जब देश चल रहा हो, जब इस स्थिति में देश चल रहा हो, 35A बोलने का मौका दीजिए, 35A देना पड़ेगा, बिल्कुल मैं आपको डर दिया है क्योंकि फाइनल ओपिनियन आपका ही है। 35A हटा और उसके बाद धारा 370 हटाई गई, तो इससे कश्मीर का भला हुआ या होने वाला है कि नहीं? मैं राजीव देखिए उससे कश्मीर का भला से ज्यादा कश्मीर के नेटिव लोगों को होना चाहिए, उनका भला होगा। और उसके अलावा अगर जो बिल रखते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ये उपस्थित हैं, हमारे गांव में हम लोग हमारी जमीन देखने के आज तक नहीं, मेरा मैं तो महाराष्ट्र में सांगली को बिला देना चाहूँ, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो मुंबई में आके सेटल हो गया आदमी आज वो वहां पे जाके जगह अपनी खुद की जमीन देखने को नहीं आएगा। तो लेकिन देश का एक स्वर्ग कहा जाने वाला है और कश्मीर जो ब्यूटी है वो अपनी अलग एक ड्यूटी रखता है। तो जो सबसे पहले तो टूरिज्म के हिसाब से उसका डेवलपमेंट में देश का हित बहुत बड़ा होगा, तो वो जगह पे न्याय लोगों को मिलेगा। और अगर अच्छे प्रकार से अगर इंफ्रा डेवलप होता है तो बहुत सारे लोग दूसरी जगह के स्टेट में बिलोंग करने वाले लोग भी वहां पर जाएंगे, जिससे कि एक भाईचारा वहां पे बढ़ेगा। जो दरिया आज बहुत बढ़ चुकी है वो लोगों का माइग्रेशन लोगों का, और जो एक टूरिज्म भी जो शहर में टूरिज्म डेवलप होता है तो वहां पर ऑटोमेटिक भाईचारा और नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो मेरा दावा है कि इसके बाद में अगर लोगों का रेल चेल बढ़ेगी तो अवश्य वो विभाग के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसे प्रकार की अत्याचारिक घटनाओं नहीं होगी, ऐसा मेरा पर्सनल दावा है। कश्मीर फाइल इसमें थोड़ा मददगार बनेगी, जो लोग बाहर निकल गए वो लौट के जाएंगे अपने। कश्मीर फाइल मैंने वापस आपको बताया, मेरा फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरी पंडित जो निर्वासित हुए हैं अपना शहर अपना गांव छोड़ के आए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। बाकायदा यहाँ पर इसका इश्यू ये किया जा रहा है कि ये किसने किया था और अन्याय करने वाले भी कौन थे वो भी मालूम होना चाहिए। दोनों लोगों के सवालों का जवाब दीजिए जो रखा बहुत गंभीर उन्होंने। एक समय था अपने देश में सुधीर जी जब नारे लगते थे इस देश में अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, भारत के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में युवाओं को बहका कर इस प्रकार के नारे लगवाए जा रहे थे। ये अफजल कौन है? ये अफजल वो है जिसने भारत के संसद पर हमला किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस अफजल की सोच ये थी कि कश्मीर ये भारत का भाग नहीं है, यानी कश्मीर में अलगाववाद इस प्रकार से पनप रहा था कि कश्मीर भारत से टूटने के कगार पर आ गया था। ये जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है तो ये सारी चीजें बंद हो गई है। तो कश्मीरी पंडित जो है ना उसको अगर कश्मीर में जाकर रहना है तो वहां पर जो इस प्रकार के टेररिज्म की घटनाएं हो रही थी उसके ऊपर बंधन लाना आवश्यक था, जिसको मुझे लगता है कि लाने में मोदी जी और अमित शाह जी ने अभी, अभी अच्छी तरह से पकड़ बना ली है। अभी क्या ये दावा आप कर सकते हैं कि 35A 370 और अब ये जो प्रेरणा नहीं जगी है इसके बाद कश्मीरी जो पंडित है उनका विस्थापन जो उनका पुनर्वसन है वो सरकार बहुत जल्द कर लेगी? मुझे लगता है कि इस मूवी के वजह से पूरे देश में एक जागृति आ गई है, सामान्य से सामान्य नागरिक भी कश्मीरी पंडित का दुख क्या है इसको समझने लगा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस पूरे समाज के साथ पूरा देश खड़ा है आज, और आज कश्मीरी पंडितों को इस प्रकार से समर्थन मिल रहा है चारों ओर से कि आप अपने घरों में वापिस जाइए, कुछ हुआ तो हम आपके साथ में है। फाइनल ओपिनियन क्या आप कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि एक फिल्म प्रेरणादायी है, लोगों को वापस अपने मुल्क लौटने के लिए प्रेरित करेगी? और पहले तो पिक्चर पर मैं आ जाता हूँ, ये पिक्चर
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा संदेश लेकर के ये पिक्चर आया, मैं उनको ये बता दूं ये बहुत बड़ा हिट लेकर के आया। जिन लोगों ने भी पिक्चर अगर ढंग से देखा होगा, तरीके से देखा होगा, उनको ये लगता होगा कि हर वो एंगल को इसमें पिरोया गया है जिससे कि नफरत और ज्यादा क्रिएट। हाँ, रही बात कि धारा 370 हटने और मारने, देखिए धारा 370 हटाने का प्रोविजन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा यह है कि हटाया जाए मगर जम्मू एंड कश्मीर की मर्जी से, मतलब कि वहां की पब्लिक ओपिनियन भी आपके साथ होनी चाहिए, और वो वहां की पब्लिक ओपिनियन का मतलब वहां की चुनी हुई सरकार है, उसका समर्थन मिलना चाहिए। तो जब प्यार से जो आदमी आता है उसके साथ हमेशा आपका बनाव रहेगा, लेकिन बंदूक की नोक पर जो आएगा उससे आपका झगड़ा बना रह सकता है। तो कोशिश आज भारत में ये होनी चाहिए कि जहां जहां, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, जहां कहीं भी नफरत की बातें पनप रही है वहां ज्यादा से ज्यादा प्यार का माहौल बनाया जाए। कानून का माहौल वो सबसे ज्यादा बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि कानून जहां जहां कमजोर पड़ेगा वहां वहां सेपरेटिस्ट हावी होंगे, और फिर आपको एक कश्मीर नहीं अनेक कश्मीर आपको इस देश में दिखाई पड़ सकते हैं। अब मैं अब एक लाइन में आप लोगों से जवाब जानना चाहता हूँ, कश्मीर फाइल प्रेरणा है या प्रोपेगेंडा? राजू भाई, ये तो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। निगम साहब, आप क्या कहेंगे? भारत के सारे नागरिकों के लिए प्रेरणा है, कश्मीरी पंडितों का निश्चित ही ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्होंने ये दुख सहन किया है, तो उनका दुख आज पूरे दुनिया के सामने आ गया, इसके लिए कश्मीरी पंडितों के लिए प्रोपेगेंडा है, भारत के सारे नागरिकों के लिए प्रेरणा है। मिश्रा जी, प्रेरणा या प्रोपेगेंडा? देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, एक निर्माता के लिए बहुत बड़ा व्यवसाय है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जो कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उसमें कुछ राजनीति भी है, कुछ हकीकत भी है, और इस हकीकत के साथ साथ जरूरत ये है कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो सिर्फ कहे नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों का वाकई जो पुनर्वसन होना चाहिए, जिस तरह से वो अपने मुल्क को छोड़कर आए थे, जिस तरह से वो मुसीबत झेले थे, उन मुसीबतों का समाधान करते हुए उनको पुनः अपने घरों में, अपने मुल्क में स्थापित किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, ये मोदी सरकार करेगी, इसकी उम्मीद हम सब लोग कर सकते हैं। आज के मंथन में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।